वाह वाह, कितने अच्छे कद्दू हुए। अब बस सही से पानी और खाद मिल जाए तो सारे कद्दू अच्छे से बढ़ जाएंगे और इन कद्दूओं को बेचकर माँ के लिए घर में ही एक राशन की दुकान खोल लूंगा। सिर्फ खेती से अब गुजारा नहीं होता, ऐसे घर तो नहीं चलने वाला। अरे 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 अरे, तुझे इस ट्यूबवेल से पानी नहीं देंगे। लेकिन क्यों? हम सब ने इस ट्यूबवेल को लगाने के लिए चंदा दिया है, तूने तो नहीं दिया। अरे वो तो तब मेरे पास पैसे नहीं थे। तब पैसे नहीं थे तो अब पानी भी नहीं है। कद्दू की खेती करके मैं जो पैसे कमाऊंगा ना, उसी से ट्यूबवेल के लिए मैं चंदा दे दूंगा। बिल्कुल नहीं, पहले पैसे उसके बाद पानी। पैसे तो हमारे पास भी नहीं थे, मुश्किल से जुगाड़ करके लाए थे। तो फिर मैं कद्दू की खेती कैसे करूंगा? हाँ दे दीजिए ना, सुनिए पानी दे दीजिए ना, कद्दू पूरे सूख चुके हैं, अगर पानी नहीं मिला तो सारे कद्दू नष्ट हो जाएंगे। हो जाएंगे तो हो जाए, इससे हमें क्या। चल भाग। क्या हुआ बेटा, खा क्यों नहीं रहे हो? नहीं माँ, खाने का मन ही नहीं हो रहा, भूख ही नहीं है और तबीयत भी ठीक नहीं है और खाना हलक से ही नहीं उतर रहा है। समझ गई अरुचि। तो सुनो ना, एक बार जाकर जो दिन डॉक्टर को दिखाओ ना, बहुत दिनों से तुम्हें भूख ही नहीं लग रही है, खाने की इच्छा ही मर गई है, उनके पास जाकर एक बार दवा ले आओ ना बेटा। ठीक है माँ, ठीक है, मैं कल ही चला जाऊँगा, आज जाकर सो जाता हूँ। बिल्कुल नहीं खाओगे? नहीं माँ। पता नहीं क्या हुआ है इसे, खाना पीना सब बंद कर दिया है। मोहन आया। बोलो क्या हुआ तुम्हें? भूख नहीं लगती डॉक्टर साहब, खाने की भी इच्छा नहीं होती, मन भी अच्छा नहीं रहता। आप मन को ठीक करने का और भूख लगने की दवा दे दीजिए ना। ठीक है, देता हूँ। ये लो, पर जितना खाने को कहूँ उससे ज्यादा खाना मत, समझ गए ना मेरी बात? हा? मैं ज्यादा क्यों खाऊंगा, ये कोई जमींदार के बेटे की शादी का पकवान थोड़े ही ना है जो मैं इसे पेट फूल होने तक खाता ही रहूंगा और फिर मैं इसे खत्म कर दूंगा। अरे पागल, ये क्या ऐसी वैसी दवा लगती है? ये दवा मुझे सपने में मिली थी, जैसे ही मुंह में डालोगे तो ऐसा लगेगा कि अमृत पी लिया है। हाँ ठीक है, आप मात्रा बता दीजिए, मैं उससे ज्यादा नहीं लूंगा। अच्छा मोहन सुनो, रोज सुबह एक कप पानी में एक चम्मच मिलाकर पी लेना, याद रहेगा ना? जी याद रहेगा। जी पानी चाहिए। नहीं मिलेगा, हरिया भैया ने कहा है जिसने चंदा नहीं दिया उसे पानी नहीं दिया जाएगा, समझे? ओह तो मेरे लिए पहरेदार लगाए गए हैं। अरे वाह, बादल छाए, काश थोड़ी सी बारिश हो जाए और मेरे कद्दू के पौधे बच जाएं। पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने। क्यों बेटा, डॉक्टर के पास गए थे? हाँ हाँ माँ हाँ, मैं सच में डॉक्टर के पास गया था माँ। यहाँ क्या बोला डॉक्टर ने? दवा दी थी डॉक्टर साहब ने, पर पता नहीं कि वो दवा मैंने कहाँ रख दी, मिल ही नहीं रही है। देखा, तुम्हारा दिमाग ही काम नहीं करता, आखिर कहाँ तुमने दवा रख दी है? आजकल ना तुम्हें कुछ याद ही नहीं रहता, कल तुम दोबारा जाना और दवा लेकर आना।
कल होने में अभी भी बहुत देर है, इस बीच अभी पूरा एक दिन है। अच्छा ही हुआ जो आज का खाना बच गया। बाप रे, एक ही रात में ये कद्दू इतने बड़े कैसे हो सकते हैं? इसने क्या किया? और जरा हमारे खेतों के कद्दू के पौधे तो देखो। हाँ सही कह रहे हो, पर ये सब हुआ कैसे? कल वैसी बारिश भी तो नहीं हुई थी, जमीन भी पूरी तरह से सूखी हुई है। मेरे खेत की तरफ टुकुर टुकुर, तुम लोग क्या देख रहे हो? हाँ हटो हटो, किसी की बदकिस्मती देखकर बहुत मजा आता है ना तुम्हें? मेरे खेत के सूखे हुए कद्दूओं को देखकर तुम सबकी आत्मा को बहुत सुकून मिल रहा होगा, है ना? जाओ जाओ, सब अपने अपने खेतों में जाकर खुशियां मनाओ। अरे वाह, एक रात में ही ये कद्दू कितने बड़े हो गए हैं। ये कैसे हुआ? पानी लिया था क्या ट्यूबवेल से तुमने? पानी कैसे लूंगा, तुम लोगों ने तो हर वक्त किसी ना किसी को मशीन की पहरेदारी पर बिठा रखा है जिससे कि मैं पानी ना ले सकूं। और सिर्फ पानी देने से ही कद्दू इतने बड़े हो जाते हैं क्या? फिर तो तुम्हारे कद्दू भी बड़े हो जाते ना, तो फिर कद्दू बड़े क्यों नहीं हुए? अरे ये क्या, तुम्हारे कद्दू तो बिल्कुल पूरी तरह से सूख चुके हैं, पर लेकिन ये सब हुआ कैसे? अरे वही तो हम जानना चाहते हैं कि भाई कैसे। अजीब मुसीबत है, अरे बाबा मुझे कैसे पता होगा? तू क्या दवाई का कमाल है? तू क्या ये कद्दू दवाई खाकर कहीं? अरे क्या हुआ, कब से क्या बड़बड़ा रहा है? अरे नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। जरा सोच रहा हूँ कि अब मुझे अपनी जमीन की पहरेदारी का इंतजाम करना पड़ेगा। हाँ अरे 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 अरे, ये कहाँ जा रहा है? डॉक्टर साहब के पास। ये देखो अजीब बात है, अरे ये पागल हो गया है क्या, पहरेदार की खोज में डॉक्टर के पास जा रहा है। डॉक्टर साहब, मुझे वो जो आपने कल दवा दी थी ना। कहा था ना, माफ कर लेना, वही हुआ ना। हाँ, लालच में पढ़कर राक्षस की तरह खा रहा है। और कल कितनी बातें कर रहा था तू। अब देख, मेरी बात याद रखना, तेरा पेट कुछ भी पचा लेगा। कुंभकर्ण की तरह भूख लगेगी तुझे, सिर्फ मछली या मांस ही नहीं, हाथी घोड़ा ज़ेब्रा जिराफ सब खाना पड़ेगा तुझे। हाँ। अरे बाप रे, मैंने वो सब तो खाया ही नहीं खाया। मैंने दवाई गिर गई, दवाई की शीशी गिर गई और सारी दवाई बह गई। सुनो, ज्यादा मत खाना। नहीं खाऊंगा, बिल्कुल नहीं। मोहन, कौन सा खाद डाल रहा है? नहीं, खाद कहाँ डाल रहा हूँ, खाद नहीं डाल रहा हूँ मैं, ये तो बस मैं पानी दे रहा हूँ। हाँ। ऐसे ही पानी दे रहे हो या फिर कोई खाद डाल रहे हो जिसके कारण ये कद्दू इतने बड़े होते जा रहे हैं? तुमने तो मुझे पानी दिया नहीं था, इसीलिए दूसरी तरह से पानी दे रहा हूँ, छिड़क छिड़क कर। हाँ। नहीं, बहुत भारी है, इसे तो मैं दो से ज्यादा नहीं ले जा सकता। सुनिए, क्या मोहन भाई यही रहते हैं? मैं कद्दू का व्यापारी हूँ, झोटिल पटवारी। मैं आपके खेत के कद्दू खरीदना चाहता हूँ। अरे नहीं, कुछ मत सोचिए, ज्यादा मत सोचिए, मैं आपको बाजार से ज्यादा कीमत दूंगा और अगर आप राजी हो तो एडवांस भी दे कर जाऊंगा।
और तो और मैं ये कह रहा हूँ कि अगली बार जब आप कद्दू की खेती करें ना, तो मेरे लिए ही करिएगा, सिर्फ मेरे लिए करिएगा। मैंने अभी से आपकी जमीन की सारी फसल बुक कर ली है। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं राजी हूँ। पर एक बात है जोतन पटवारी जी, अगर आप मेरे लिए कहीं जमीन का इंतजाम कर देंगे तो मैं वहाँ भी ऐसे ही कद्दू उगा सकता हूँ। अरे वाह, फिर तो मैं यहाँ पूरी इंडस्ट्री, भुजा इंडस्ट्री, हाथ फैन इंडस्ट्री जो चल रहे हैं, उसके साथ साथ कद्दू इंडस्ट्री भी खोल दूंगा। इससे तो मुझे बहुत ज्यादा फायदा होगा। ये लीजिए पैसे, रखिए ना, ये तो बस मुंह दिखाई है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट बाद में होगा। ठीक है ठीक है। माँ, तुमसे मैंने उस दिन कहा था, याद है कि नहीं? क्या बेटा, तुमने तो उस दिन बहुत सारी बातें कही थी। अरे बाबा, मैंने कहा था ना कि इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है, तो तुम्हारे लिए किराने की दुकान खोल दूंगा, तो कल मैं शहर जा रहा हूँ महाजन से बात करने के लिए। तुझे जो सही लगता है वो तुम करो बेटा, घर में दुकान रहेगी तो मैं ठीक से चला पाऊंगी, और यहाँ तो कोई अच्छी दुकान भी नहीं है। अच्छा अच्छा सुनो बेटा, थोड़ा सा चावल दो। हाँ दे दो दे दो दे दो। और थोड़ी कद्दू की सब्जी। क्यों दो? दे ओ।